कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पर सचिन पायलट के साथ राजनीति करने का आरोप लगाया है। पुनिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता की कोशिश कर रहे सचिन पायलट हरियाणा के होटल में बीजेपी के संरक्षण के साथ रह रहे हैं। हालांकि पुनिया के इन आरोपों को बीजेपी ने निराधार बताया है। राजस्थान के राजनीतिक संकट पर बात करते हुए पीएल पुनिया ने कहा कि एक बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि बीजेपी अशोक गहलोत की सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रही है। सचिन पायलट और उनके कैंप के विधायक हरियाणा के होटल में रह रहे हैं और किसी को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये सभी लोग यहाँ बीजेपी के संरक्षण में है। हालांकि पुनिया के आरोपों पर हरियाणा के मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज ने सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। विज ने कहा कि राजस्थान के राजनीतिक संकट में बीजेपी का कोई रोल नहीं है, इसके अलावा हरियाणा सरकार का भी इससे कोई संबंध नहीं है। हरियाणा में गहलोत सरकार के किसी भी मंत्री को बंधक बनाकर नहीं रखा गया है। वहीं राजस्थान के सियासी हालातों पर पुनिया ने कहा कि मुझे इस बात की उम्मीद है कि राज्यपाल कलराज मिश्र असेंबली का सेशन बुलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में पार्टी की रणनीति आगे क्या होगी, इसका फैसला वहां की प्रदेश यूनिट और केंद्रीय नेतृत्व सामंजस्य से फैसला करेगा। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।